पूरा हॉस्टल बंद, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पूरे हॉस्टल बंद करके हम जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। जो समाज कल्याण जो है ऑफिस, इसमें जो है ऑफिसर हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है, एक महीने का मिनिमम 10 लाख के ऊपर भ्रष्टाचार ये समाज कल्याण में चल रहा है। पूरे तालुके को पेमेंट डाले, गुलबर्गा नहीं डाले अभी, तो उसमें जो है ना एक एक आदमी को 1500-2000 रुपए पगार कम डाले। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बाले हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो समाज कल्याण और जो माइनॉरिटी हॉस्टल्स है उसमें जो काम करने वाला आउटसोर्स है, अभी 8-9 महीने से पेमेंट नहीं है, वो पेमेंट नहीं है और कहाँ तो 1-2 महीने डाले तो भी पेमेंट जो है ना एक महीने को 1500-2000 रुपए कम डाल रहे हैं। जो गवर्नमेंट का जो आर्डर है, आर्डर को जो है ना ये लोग नहीं मान रहे। गवर्नमेंट और BCM में करेक्ट पेमेंट सैलरी हो रहा, जो माइनॉरिटी और इसका जो है ना ये सोशल हेल्पर का, वो स्विस मैन पावर एजेंसी बोल के मैसूर वाला है, उन जो है ना ऐसा कर रहा बोल के हम गए महीने में जिला पंचायत में भी CO को भी बोले, लेटर दिए, मीटिंग में डिस्कस भी हुआ, फिर अभी परसों जो पूरे तालुके को पेमेंट डाले, गुलबर्गा नहीं डाले अभी, तो उसमें जो है ना एक एक आदमी को 1500-2000 रुपए पगार कम डाले। मतलब क्या है, PF भी नहीं भर रहा उन बराबर। स्वास्थ्य ये जो समाज कल्याण जो है ऑफिस, इसमें जो है ऑफिसर हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल है। शामिल रह के लोग क्या करते हैं, अब खाना बोल के सोच रहे, एक आदमी को 4-6 महीने का पेमेंट डाले, एक आदमी के पीछे 10-10 हज़ार रुपये सैलरी कम आया। मतलब एक कोरोना होने के बाद एक साल होगा हॉस्टल चालू होके, एक साल में भी पेमेंट नहीं है, डाले तो भी कम डाल रहे। ये ह्यूमैनिटी बेसिस में ये लोग बराबर नहीं है। इस वास्ते जो टेंडर है उसको रद्द करना, रिजेक्ट करना, उसको टेंडर नहीं देना, उसको जो कम डाल रहे उसको कई को टेंडर देना। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार चल रहा है, एक महीने का मिनिमम 10 लाख के ऊपर भ्रष्टाचार ये समाज कल्याण में चल रहा है। इस वास्ते अभी हमारा आउटसोर्स का जो बाकी है वो पेमेंट देना, और गवर्नमेंट का मिनिमम वेज क्या है रूल्स वो वेज देना, और हर एक जो है ना PF ESI भी भरना बोल के ये प्रोटेस्ट है। हम जो गवर्नमेंट को ये करते हैं, अगर नहीं माने अभी एक 15 दिन देखते, वो हमारा सैलरी क्लियर होना और मिनिमम ये हिसाब से आना, अगर नहीं आए तो आगे जो है ना बड़ा जो है ना प्रोटेस्ट, पूरा हॉस्टल बंद, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में पूरे हॉस्टल बंद करके हम जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मेरा नाम भीम शेट्टी एम्पल्ले, हॉस्टल यूनियन वर्कर्स यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ।